राजधानी दिल्ली में अपनी पैठ जमा चुकी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अगले साल 5 राज्यों में होने जा रहे 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कमर कस ली है, जहां आपने विरोधी पार्टियों से एक कदम आगे बढ़ते हुए शुक्रवार यानी आज पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की इस पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम है और ये सभी वर्तमान में पंजाब विधानसभा के सदस्य है। इस 10 उम्मीदवारों की सूची में नाम कुछ इस तरह है। गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र से जय कृष्ण रोड़ी, जगराव से सरबजीत कौर मुनके, निहाल सिंह वाला क्षेत्र से मंजीत बिलासपुर, कोटकपुरा विधानसभा क्षेत्र से कुलतार सिंह संधावा, तलवंडी साबो से बलजिंदर कौर, बुढ़लाड़ा से प्रिंसिपल बुधराम, दिड़बा से हरपाल सिंह चीमा, सुनाम से अमन अरोड़ा, बलराना से गुरमीत सिंह मीत हेयर और महल कला से कुलवंत पंडोरी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि पिछले महीने शिरोमणि अकाली दल ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद आप दूसरी पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों के चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, वहीं आप सिर्फ 20 सीटों पर ही सिमट गई थी। तो वहीं कांग्रेस कैप्टन की अगुवाई में अभी तक सबसे मजबूत दिख रही थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से हटने के बाद से पंजाब की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौती ये है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह ही कोई भी नेता राज्य में चेहरा नहीं बना पाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी इस बार होने वाले चुनावों में ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।